जयपुर के योजना भवन में 21 करोड़ से ज़्यादा की नकदी और 1 किलो से ज़्यादा सोना मिलने के मामले को लेकर किरोड़ीलाल मीणा ने आरोप लगाए हैं और उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि राजस्थान की जो कांग्रेस सरकार है भ्रष्टाचार में डूबी हुई। किस तरीके का आरोप जो आपने लगाए हैं किरोड़ी जी? आपने कहा है कि 3,500 करोड़ से ज़्यादा के जो है एक पत्रकार वार्ता का घोटाला है, ऐसी 4 या 5 पत्रकार वार्ता और करेंगे जिसमें टोटल घोटाला IT सेक्टर में 15-20 हज़ार करोड़ का हो जाएगा। और मैंने बाकायदा प्रमाण दिए कि जो परवाद ACB में दर्ज है वो परवाद को सरकार की अनुमति की आवश्यकता है। सरकार में मंत्री मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हैं, उन्होंने 3,500 करोड़ के घोटाले को दबा दिया, जांच की परमिशन नहीं दी, इसलिए हम मांग करते हैं कि एक आरोपी जो पकड़ा है वेद प्रकाश यादव, इसके तार कहां तक जुड़े हुए? वो तो तार तो जांच का विषय है, लेकिन वेद प्रकाश तो एक छोटी सी मछली है, इसमें ढेर सारे मगरमच्छ हैं, इसकी आंच तो मुख्यमंत्री जी तक जाएगी। जो आपने खुलासा किया है उसमें एक बंगले का भी जिक्र किया है, आपने कहा काफ़ी हाईटेक। मीडिया को ले जाकर बताऊंगा कौन सा बंगला है जो था ताली से खुल जाता है, चुटकी से लाइट जल जाती है। करोड़ जी, किस तरीके के घोटाले की जो आपने बात की है, अभी 3,500 करोड़ का जो आपने घोटाले की बात की है वो क्या क्या है और किस तरीके से हुआ है घोटाला? आपको लिस्ट बता दी, मेरे ध्यान नहीं रहा, मैंने लिस्ट दे दिया था ना एक, और वो आप वीडियो में देख लेना। हाँ बताओ सर। तो ये थे किरोड़ीलाल मीणा जी जिन्होंने जो है 3,500 करोड़ के जो भ्रष्टाचार है राज्य सरकार पर आरोप लगाए हैं और इनका साफ तौर पर कहना है कि ये जो पैसा मिला है योजना भवन में 2 करोड़ से ज़्यादा का पैसा और उसके साथ साथ में 1 किलो से ज़्यादा का सोना मिला है, ये एक जो है छोटी घटना है, छोटी मछली है, लेकिन बड़ी मछली अभी भी राजस्थान की सरकार है, राजस्थान की गहलोत सरकार है, उसे बचा रही है। तो जल्द ही और बड़े खुलासा होने की उन्होंने बात की है। अब देखने वाली बात ये होगी कि किस तरीके से और बड़े खुलासे इनके द्वारा जो है किए जाते हैं। मेरे सहयोगी शक्ति सिंह के साथ ध्वजारिया TV9।